एक गिवन स्फेरिकल बॉडी का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो हम वहाँ इंटीग्रेशन मेथड को यूज़ ले सकते हैं। इसमें हम करेंगे क्या, सपोज हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर किया जिसे हम डीए कह रहे हैं और इस डीए को इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रल डीए आपको 4πr² प्रोवाइड करेगा जो इसका टोटल सरफेस एरिया है। सिमिलरली अगर हमारे पास में कोई एक रिंग है और उस रिंग की हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं जिसको डीएल का, और डीएल को अगर हम इंटीग्रेट करें तो वो 2πr के यानी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। बेसिकली इंटीग्रेशन में हम ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स में उसको कन्वर्ट करके और उसका समेशन कर देते हैं, तो समेशन साइन को इंटीग्रल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कंटिन्यूटी हो उस फंक्शन के अंदर। सो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल पे आपको कोई चीज़ पता है, नोन है, तो लार्ज स्केल पे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है वाई जो कि एक्स का फंक्शन है, तो इंटीग्रल वाई डीएक्स, इसे हम इंटीग्रल fx dx भी कह सकते हैं जो कि वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कहलाएगा। जैसे डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स फंक्शन है, वैसे ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स फंक्शन है। लाइक अगर हम कहें कि कोई एक फंक्शन है हमारे पास वाई जो एक्स का फंक्शन है और उसे हम क्या कर रहे हैं, पहले हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वाई को dy बाय dx और फिर जो रिजल्ट आया उसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में, देन वी गेट द सेम फंक्शन वाई। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, पहले हमने वाई को इंटीग्रेट किया और फिर उसे डिफ्रेंशिएट किया तो हमें अगेन द सेम फंक्शन वाई मिलेगा। लाइक मल्टीप्लाई करो किसी नंबर को 3 से और उसी 3 से डिवाइड कर दो तो आपको सेम नंबर मिल जाता है। इसका अगर एग्जांपल लें इस केस में, तो अगर हम कहें वाई एक्स स्क्वायर है तो यूजिंग फार्मूला हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x आएगा, और अगर इस 2x को अगेन इंटीग्रेट किया जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 x² / 2, एंड 2 विल कैंसिल आउट एंड वी गेट द सेम फंक्शन x². किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के इक्विवेलेंट है। सो अगर सपोज हमारे पास में एक फंक्शन है वाई विच इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है, तो अगर हम इस वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करें तो उस सिचुएशन में इस इंटीग्रल का मीनिंग क्या होगा कि हमने यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ऐसी स्ट्रिप्स कंसिडर की है और उन सारी स्ट्रिप्स का हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक स्ट्रिप का एरिया हम लिख सकते हैं वाई डेल्टा एक्स, तो बहुत सारी स्ट्रिप्स अगर हम लेके उसका टोटल एरिया निकालें तो वो सिग्मा वाई डेल्टा एक्स होगा और यही इंटीग्रल वाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो इंटीग्रल ए टू बी अगर हम यहाँ पर इस रेंज के साथ कर रहे हैं एक्स की रेंज के साथ, तो वो एरिया अंडर दिस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा जहाँ ए को हम लोअर लिमिट और बी को हम अपर लिमिट कहेंगे, और एक ऐसा इंटीग्रल जिसमें हम लोअर अपर लिमिट्स लगाते हैं उसे हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। एक फंक्शन वाई जो कि एक्स का फंक्शन है यानी वाई इक्वल्स टू fx हमने लिखा है और इसे हमें इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, और आपको एक्स की लोअर अपर लिमिट्स भी गिवन है, तो उस केस में इस तरह के इंटीग्रल को हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला सूटेबल होगा वो अप्लाई करके एक न्यू फंक्शन फाइंड करेंगे जिसको जी एक्स है, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लोअर अपर लिमिट्स पुट कर देते हैं। देन वी सब्सटीट्यूट द अपर लिमिट फर्स्ट, सब्ट्रैक्शन का साइन, और इसी में एक्स की जगह पे लोअर लिमिट पुट करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। जैसे एक एग्जांपल अगर इसका लें कि सपोज वाई जो है वो 3x² है और हमें इसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में फ्रॉम लिमिट 1 to 2, तो फॉर्मूला जो हमें लगाना है वो x^n dx जो कि x^n+1/n+1 होगा, और इस केस में n 2 है इसीलिए 2+1 3 हो जाएगा, तो x³/3, और ये जो 3 था वो बाहर लिख लिया हमने, ये 3 से 3 यहाँ कैंसिल होगा। अब हम पहले इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2³, फिर लोअर लिमिट 1³, और ये मिल जाएगा 8-1 विच इज 7। किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते समय हमें जो फार्मूला ही चाहिए उनकी लिस्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमारे पास में जो फार्मूला है वो है x^n dx जो सबसे ज़्यादा और फ्रिक्वेंटली यूज आएगा। सो अगर हमें x^n dx को इंटीग्रेट करना हो, लाइक x dx है, x² / 2, x³ है, एक्सेट्रा, सो इन दैट सिचुएशन हम फार्मूला जो यूज़ लेंगे दैट विल बी x^n+1/n+1 + c।
यहाँ सी जो है ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली इफ एन इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, अदरवाइज ये माइनस वन प्लस वन डिनोमिनेटर में जीरो क्रिएट करेगा। अगर एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो एक्स की पावर यहाँ वन कंसिडर कर सकते हैं, तो वन प्लस वन विल बी टू, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक कॉन्स्टेंट भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अगर हमें ओनली डी एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो इसे हम क्या लिखेंगे, वन इंटू डी एक्स लिख सकते हैं और वन को हम एक्स टू द पावर जीरो प्लेस्ड कर सकते हैं क्योंकि किसी की भी पावर जीरो वन होता है, और अगेन हम x टू द पावर n का फॉर्मूला n जीरो के लिए लगाएं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा x टू द पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, और इसे हम क्या लिखेंगे x के इक्वल लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ a वाई डी एक्स, जहाँ a एक कांस्टेंट है और y कोई x का फंक्शन है, तो इसे इंटीग्रेट करते समय हम कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं और अंदर हम y को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा इंटीग्रल 2x क्यूब dx, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये 2 कांस्टेंट है बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x क्यूब का अगर हम इंटीग्रल करें x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से तो इट विल बी x 4 बाय 4, और इसको सॉल्व करने पर हमें x 4 बाय 2 मिलेगा प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो हम लगाते हैं। इसी तरह से अगर हमें दो फंक्शंस हैं जो सेपरेटली कोई x के फंक्शन है सपोज, और इन दोनों के सम या डिफरेंस को हमें इंटीग्रेट करना है, तो जस्ट हम वन बाय वन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। u dx पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे, फिर प्लस साइन है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एंड देन इंटीग्रेट करेंगे हम v को विद रेस्पेक्ट टू x। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इंटीग्रेट करना हो x स्क्वायर प्लस x dx, तो इस केस में हम इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx को सेपरेट कर दिया, x dx को सेपरेट कर दिया, फॉर्मूला अगर हम ये लगाएं x टू द पावर n dx तो क्या मिलेगा, x क्यूब बाय 3 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ज़्यादातर जो इंटीग्रेट हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए करना पड़ता है वो है साइन x एंड कॉस x। साइन x का जो इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में होगा दैट विल बी माइनस कॉस x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। सिमिलरली अगर साइन ए एक्स हो लाइक साइन 2x dx, साइन 3x dx, तो उस केस में a यहाँ एक कांस्टेंट है, तो उस केस में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय a। डिफरेंशिएशन में तो a मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में a डिवाइड होता है प्लस अ कांस्टेंट। सिमिलरली कॉस x dx का जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन x प्लस c, और कॉस ए एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी साइन ए एक्स बाय a प्लस c। c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड a इज कांस्टेंट हियर। सिमिलरली अगर हम 1 अपॉन x dx करते हैं तो इसका ln x या log e बेस x जिसको हम कहेंगे प्लस c आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जिसको एंटी लॉग फंक्शन भी कहेंगे तो e टू द पावर x dx नो चेंज, इट विल बी सेम एंड इट इज़ e टू द पावर x प्लस c। बट अगर e टू द पावर ax है जिसे हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो उसका जो फॉर्मूला हम यूज़ लेंगे दैट विल बी e टू द पावर ax अपॉन a।